तो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत है शर्मा जी फिटनेस में। मैं आ गया हूँ गाज़ियाबाद और आज के जो गेस्ट हैं ना बहुत स्पेशल हैं। उनकी खासियत क्या है, मैं खासियत के बारे में बताता हूँ भाई। ए हैंडसम है, प्लस अगर आप इनकी मस्कुलरिटी देखोगे ना स्टेज पे, मैंने स्टेज पे इनको देखा था, ये टोटली रिप्ड और इतनी अच्छी फिजिक लेके बैठते हैं कि गोल्ड पे गोल्ड मारते हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली कमबैक करा है और इनके लगातार हर कॉम्पिटिशन में गोल्ड आया है। तो मैं इनसे जुड़ा, मैंने इनसे बात करी, इनकी स्टोरी जानी, इनका कमबैक का रीज़न जाना कि इतने टाइम बाद इन्होंने कैसे कमबैक करा और क्या क्या इनको डिफ़िकल्टीज आई। तो स्वागत करें हमारे जाहिद मलिक भाई का। हाय जाहिद मलिक भाई। हेलो भैया, कैसे हो आप? बढ़िया भाई, आप कैसे भाई? मैं भी ठीक हूँ भाई। एक बार मुझे ये जानना है भाई, इतना टाइम इतनी बॉडी पे कितना टाइम लगा भाई आपने? टाइम अभी मैंने 4 साल बाद कमबैक किया है और अभी रिसेंटली मैंने करीब 35-36 दिन में 6 टाइटल जीते हैं बैक टू बैक। और 4 साल बाद कमबैक करने के लिए मुझे कम से कम 6 महीने तैयारी करनी पड़ी, तब मैं ये कंपटीशन खेल पाया हूँ भाई। मैं जाना था शुरुआत, एक होता ना कि लोग किसी को देखते हैं, किसी को देख के इंस्पायर होते हैं, आपकी ज़िंदगी का वो इंस्पायरिंग फैक्टर कौन था भाई? हाँ, सही बताऊँ तो सलमान खान से इंस्पायर हुआ था भाई। मैं ये बता रहा हूँ भाई, जितने बॉडी बिल्डर से मिल रहा ना, मैंने अभी रिसेंटली इंटरव्यू किया था, सब कहते हैं सलमान खान। और वो जो गाना ना वो जाने जाने वाला भाई, वही इसका पीछे राज होता है भाई। आपका कोई था भाई गाना भाई? हाँ, वही था फेवरेट गाना उसे ही देख के इंस्पायर हुआ था। अच्छा। तो मैंने सोचा था, मैंने क्या बॉडी बनानी है, तो तब से ही शौक लगा था। अच्छा, तो भाई मैंने सुना था भाई आपने कोई बुक्स बुक पढ़ी थी, तो देखा कि भाई उसमें ऐसा, पहले ना बुक्स आती थी, बुक्स में प्ले वो होते थे ना, बॉडी बिल्डर होते थे, उसको देख के कुछ आपको हुआ था भाई, वो बात होता भाई। वो भाई मेरे मोहल्ले में भैया हैं, वो एक्सरसाइज करते थे, तो वो मैगजीन वगैरह देखते रहते थे, मुझसे कहते थे कि वर्कआउट कर। अच्छा। तो तब माइंड ऐसा था कि मैं उन्हें देख के ना मैगजीन में कहता था, मैं इनके रियल नहीं होते। अच्छा। ये सब वैसे ही होते हैं भाई। कौन सी मैगजीन होती थी भाई वो? इंग्लिश मैगजीन थी, अब तो नाम भी नहीं पता। खैर, इंग्लिश मैगजीन होती थी बॉडी बिल्डिंग की, तो उसमें देख के ये बात बोली थी मैंने। अच्छा। फिर वही भाई मुझे एक दिन जिम लेके गए थे। अच्छा। एक्चुअली क्या है, मैं क्रिकेट खेलता था उस टाइम पे, क्रिकेट का बहुत शौक था, बहुत क्रिकेट खेलता था। लेकिन जब वो भैया मुझे जिम पे लेके गए और मैंने अपने आप को देखा, मैं बहुत वीक था। अच्छा। बहुत ज़्यादा वीक, शायद 45-46 वेट होगा मेरा, कमर भी मेरी थोड़ी झुकी हुई थी। अच्छा। तो जब मैंने अपने आप को शीशे में देखा तो मुझे बड़ी शर्म सी आई कि यार तू कैसा है, और वहाँ के लड़के देखे मैंने, सारे तगड़े तगड़े थे। तो तब डिसाइड किया मैंने कि यार मर्दों वाला गेम तो यह है, ये गेम खेलना है भाई। एक बार इनकी फ़ोटो आ रही होगी इधर, जब इन्होंने पहला कंपटीशन खेला, और मैं भाई बता दूं ये भी आज के टाइम के बॉडी बिल्डर नहीं है, इनको भी कम से कम 18-19 साल हो गए भाई। कितने साल हो गए भाई आपको? करीब करीब इतना टाइम हो गया, बस ये है कि कंटिन्यू नहीं कर पाया, बीच बीच में गैप होता रहा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इस वजह से भाई गैप कवर करेंगे। पर भाई मैं जो इस वीडियो फोटो का अभी जो आपने देखा ना भाई, ये इनकी नेचुरल फॉर्म है। और आज भी जो बच्चे कहते हैं ना नेचुरल, और के सामान लेके क्या होता है नेचुरल में कैसे दिखते हैं, मैं आपको नेचुरल फॉर्म दिखा रहा हूँ, ये इनकी नेचुरल फॉर्म है। मैं एक बार इनसे नेचुरल फॉर्म की बात करूँगा भाई, कि कैसे आपने तैयारी करी थी भाई नेचुरल, क्योंकि भाई आजकल ना ट्रेंड चल रहा है कि बच्चे आते सामान के बारे में बात करते हैं, उस पर आपका क्या मैसेज है भाई अपनी, जब आपने नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन करी थी उसमें आपने कैसे अचीव करा उसे? देखो, जब मैंने अपना पहला कंपटीशन खेला था मिस्टर गाज़ियाबाद, तब तो ये प्रोटीन वगैरह का कुछ अता पता ही नहीं था, जानते भी नहीं थे। अच्छा भाई। जो घर की ही नेचुरल डाइट थी, दूध अंडे केले वगैरह, बस यही खाते थे, जो घर का ही खाना खाते थे और उसे ही खा के मैं मिस्टर गाज़ियाबाद बन गया था। अच्छा भाई। हाँ, उसके बाद मैंने फिर 2007 में मिस्टर यूपी खेला था, तब तक भी मैं नेचुरल था, स्टेरॉइड नहीं लेता था, सप्लीमेंट वगैरह थोड़े बहुत यूज़ करने शुरू कर दिए थे। भाई पहली बार प्रोटीन का डिब्बा कब देखा था भाई आपने? प्रोटीन का डिब्बा ये मान के चलो आपके मैंने 2007 में, 2007 में स्टार्ट किया था, देख लिया था भाई। हाँ, खाना जो स्टार्ट। आप तो जैसे भर भर के कंपनी आई हुई भाई, आपके टाइम में कौन सा प्रोटीन आता था भाई? देखो उस टाइम पे 2007 में जो ब्रांड अब हैं वो तब भी थे। अच्छा। कुछ कंपनीज हैं जो तब भी थी, अच्छे ब्रांड थे तो वही खाते थे। अच्छा, वही खाते जो भी बेहतरीन ब्रांड होता था। तो भाई मेरे को एक चीज़ जाननी भाई, आज के टाइम में ना मैं बात करता हूँ भाई, आपके पास तो बहुत लड़के आते हैं भाई, ऐसी 3 चीज़ें जो उनको ध्यान रखनी चाहिए भाई? देखो, एक तो शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें, हार्डवर्क करें, बिना हार्डवर्क के कुछ नहीं है। जितना हार्डवर्क करोगे, जितना डाइट पे फोकस करोगे, इतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। अच्छा। अपनी वेट ट्रेनिंग अच्छी करो, अपनी नेचुरल डाइट अच्छी करो, ज़्यादा सामान पे फोकस ना करें तो बेहतर होगा। और स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नेचुरल डाइट और हार्डवर्क, वेट ट्रेनिंग अच्छी करो और बेसिक
बैक टू बेसिक होना चाहिए आदमी को, क्योंकि आजकल के लड़के एक गलती बहुत कर रहे हैं, यूट्यूब पे देखते हैं वीडियो और जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हैं प्रोफेशनल उनके वर्कआउट को फॉलो करते हैं। अच्छा भाई, वो ये नहीं देखते कि उनका लेवल क्या है। भाई उनका लेवल तो देखो, वो किस लेवल के हैं, वो क्या वर्कआउट कर रहे हैं, वो वर्कआउट तुम्हारे लिए है या नहीं। तो जो बेसिक वर्कआउट हैं, बेसिक मसल्स हैं, पहले उन्हें करना चाहिए। भाई 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 सिंपल मैसेज देना चाहते हैं, स्टिक टू बेसिक डाइट, स्टिक टू बेसिक एक्सरसाइज, और सबसे पहले अपने एक अच्छा कोच चुनो। और भाई जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं कि भाई का एक चैनल आ रहा है यूट्यूब पे ही, ये भी हमारे एक यूट्यूबर भाई बनेंगे। इनका यूट्यूब का नाम चुन लो भाई, क्या भाई? भाई ZM फिटनेस। भाई तो जितने भाई इस वीडियो को देख रहे हैं ZM फिटनेस को सब्सक्राइब करना भाई, इनको सपोर्ट करना, और ये भी अच्छा कंटेंट लाएंगे फिटनेस के लिए। तो भाई मैं आगे बढ़ता हूँ भाई। भाई फिटनेस के लिए जब आप आए, कंपटीशन का कब दिमाग में आ गया भाई अब मुझे कंपटीशन तैयारी करनी चाहिए एक अच्छे लेवल की, कि हाँ जी भाई मुझे ये जीतना है, मुझे ये जीतना है? देखो दिमाग में तो स्टार्टिंग से ही था, लेकिन नहीं कर पाया था मैं किसी वजह से। तो उसके बाद 2005 में मेरी शादी हुई थी, मैन मूड उसके बाद ही बना था। अच्छा। क्योंकि फिर डाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पहले डाइट की प्रॉब्लम थी। अच्छा। अम्मी डाइट बना नहीं पाती थी इतनी, सिस्टर की शादी हो चुकी थी, तो शादी हो गई तो वाइफ आ गई थी, तो डाइट वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैंने फिर 2006 से तैयारी शुरू की थी, और 2007 में मैंने अपना पहला कंपटीशन प्रोफेशनल तरीके से अच्छे लेवल पे खेला था। पर भाई मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, गैप क्यों आया भाई इतने? भाई गैप एक तो शादी के टाइम पे आ गया था, उसके बाद एक्सीडेंट जो सबसे बड़ी वजह रही। मेरे 3 एक्सीडेंट हुए और उन एक्सीडेंट की वजह से मुझे काफ़ी बेड रेस्ट करना पड़ा, इस वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो भाई जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं ना भाई, मैं बता दूँ भाई के लगातार 3 एक्सीडेंट हुए, और एक्सीडेंट भी ऐसे हुए कि भाई सीवर वाले जो होते ना, और उस टाइम में भी ऐसे एक्सीडेंट हुए जब ये तैयारी पे पूरे थे भाई। हाँ, फुल तैयारी पे, पीक पे होता था मैं, बहुत अच्छा हो रहा होता था, कंपटीशन की तैयारी होती थी, और फिर पता नहीं क्या होता था भाई। एक्सीडेंट क्या क्या, एक्सीडेंट में क्या क्या नुकसान हुआ भाई? एक्सीडेंट तो मतलब ये तो लगा शुक्र है कि कोई हड्डी ब्रेक नहीं हुई, लेकिन वैसे मसल्स मास वगैरह का काफ़ी, मतलब एक बार तो ये सब बजरी घुस गई थी रोड की, बहुत बुरा हाल हो गया था। अच्छा भाई, भाई और ये देख लो, अगर आप अभी भी कोई एक्सक्यूज़ अपने दिमाग में रखते हो ना कि भाई कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं ये नहीं कर पाऊँगा, भाई ने इस बार भी इतना 3 दफ़ा इनको हटाने की कोशिश करी है, पर इन्होंने हार नहीं मानी, ऊपर वाले का नाम लेके फिर भी कम बैक करो। और अगर आप फॉर्म चेक करने जाते हो तो ये आ रही फ़ोटो, आप देख लो फॉर्म कैसी होती है भाई। भाई जब फॉर्म लेके आते हैं ना तो भाई जवाब नहीं होता भाई। भाई तैयारी का पूछूँ, शेड्यूल पूछूँ आपका, शेड्यूल कैसे रहता है तैयारी के टाइम में, और क्या डाइट चलाते हैं भाई, और बिगिनर को क्या डाइट लेनी चाहिए भाई? देखो बिगिनर के लिए मेरा ये मैसेज है कि वो नेचुरल डाइट पर ही फोकस करे। भाई नेचुरल डाइट में क्या कहता है? नेचुरल डाइट में एग्स हो गए, चिकन हो गए, और अगर वेजिटेरियन है तो सोया चिक हो गई, पनीर, टोफू वगैरह। अच्छा। प्रोटीन के लिए, और कार्ब के लिए तुम्हारा स्वीट पोटैटो हो गया, ब्राउन ब्रेड हो गया, इन सब चीज़ों को यूज़ करना। भाई मेरा ना एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने ये देखा कि जब हम क्लीन डाइट की बात करते हैं और बिगिनर के दिमाग में कन्फ्यूजन आती है, वो पहले दिन से उबला खाना शुरू करता है, नमक छोड़ देता है, सब कुछ करता है। नहीं नहीं नहीं, उनके लिए क्या, जैसे आपने अभी पोटैटो के जिक्र करा, स्वीट पोटैटो का जिक्र करा, क्या उनके लिए डे वन से बॉइल फूड होता है क्या, कैसे होता है भाई? नहीं, बॉइल फूड की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, बॉइल फूड वगैरह तो बहुत आगे की स्टेज है, अगर आपको कोई कॉन्टेस्ट खेलना है तब लास्ट के डेज में जाके ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छा। बिगनर्स के लिए नहीं है, बिगनर्स को तो खाना चाहिए। अच्छा, तो बिगनर्स को भाई रोटी भी खा सकते हैं? हाँ, रोटी चावल सब खाओ, कुछ चीज़ों को अवॉइड करना होता है, ऑयली आइटम हो गए, और तुम्हारा जो तुम्हारा तेज मीठा हो गया, मीठा वगैरह से बचना चाहिए थोड़ा सा। अच्छा। मैदा से बचना चाहिए, जो बेकरी आइटम होते हैं इनसे बचना चाहिए। अच्छा भाई, अगर किसी के अभी भी दिमाग में कन्फ्यूजन है डाइट को लेकर, तो भाई ने क्लियर करी है, आप अपना खाना खाओ, जो घर का खाना वो खाओ भाई। घर का खाओ, बाहर का अवॉइड करो, बाहर का अवॉइड करो। और भाई अच्छा, मैं आपसे भाई, मैंने जब क्वेश्चन करा था भाई, आपकी तैयारी का, भाई तैयारी कैसे रहती है भाई आपकी? जब देखो, जब मैं कंपटीशन की तैयारी करता हूँ तो 2 से 2.5 घंटे सुबह वर्कआउट होता है, 2 से 2.5 घंटे शाम को वर्कआउट होता है। नेचुरल डाइट में मेरा अपना फिश, चिकन, एग्स, सैलेड, ग्रीन वेज, ये सब चलता है। तो भाई ये बिगनर्स के लिए तो नहीं है ना भाई? नहीं, बिगनर्स के लिए नहीं है। अच्छा, बिगनर्स के लिए को इतने सब कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। बिगनर्स को स्टार्टिंग में घर के खाने से ही शुरुआत करनी चाहिए, फिर धीरे धीरे अपनी जैसी उसकी वो होती है। सप्लीमेंटेशन पे कब आए वो? सप्लीमेंटेशन तो देखो डिपेंड करता है,
कि उसका गोल क्या है। अगर उसे कंपटीशन वगैरह पार्टिसिपेट करना है तो थोड़ा जल्दी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, जल्दी आना पड़ेगा उसे। और अगर उसे नॉर्मल फिटनेस रखनी है तो नेचुरल डाइट से भी पूर्ति कर सकता है। नेचुरल डाइट से हो जाएगी भाई? बिल्कुल हो जाएगी। तो भाई अच्छा एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, ये मेरा भी क्वेश्चन है और ये सबका क्वेश्चन है जो व्यूज आपको देख रहे हैं कि भाई हम नेचुरल खाने से प्रोटीन कंज्यूम करा करें, अगर कोई कैरी भी कर रहा है अगर वो उतनी रिक्वायरमेंट के अंडे फिश चिकन खाए तो उसको प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए भाई? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है नेचुरल डाइट से तो कोई ज़रूरत नहीं है। और आपके हिसाब से भाई बेस्ट क्या रहता है, प्रोटीन शेक के नेचुरल डाइट? देखो नेचुरल डाइट बेस्ट है, नेचुरल डाइट को मैं ऊपर रखूँगा, नेचुरल डाइट बेस्ट है। अच्छा और भाई घी का कैसा होता है भाई, जब अपना देसी घी बनता है भाई घरों में? देखो देसी घी डिपेंड करता है, देखो आपका गोल क्या है, मैं फिर वही बात कहूँगा डिपेंड करता है। अब अगर आपको लीन रहना है तो आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी ये सब चीज़। अच्छा। जी तो भाई थोड़ा बहुत ले सकते हो, ज़रूरी है, गुड फैट भी चाहिए बॉडी को। अच्छा जी तो भाई थोड़ा बहुत लो, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए। अच्छा भाई जो इस वीडियो को देख रहा है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ भाई कि भाई जब तैयारी करते हैं ना तो दिन रात एक करते हैं, अब वो दिन रात एक करने के लिए सब कुछ पूछेंगे अब भाई से कि भाई वर्कआउट शेड्यूल क्या रहते हैं भाई, आपके वर्कआउट शेड्यूल के बारे में तो भाई। वर्कआउट शेड्यूल सुबह मॉर्निंग में कार्डियो रैप्स होता है, शाम को वेट ट्रेनिंग। अच्छा जी भाई दो टाइम एक्सरसाइज कंपलसरी होती करनी भाई? बिल्कुल कंपलसरी होती है। अच्छा उसका रीज़न भाई? रीज़न ये है कि अब कंपटीशन इतने टफ हो गए कि अगर उनसे टक्कर लेनी है, उन्हें बीट करना है तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी भाई। आपने तो दोनों दौर देखे हैं, मतलब होते ना, मैं ये बता दूं भाई 4 टाइम मिस्टर यूपी रह चुके हैं भाई और ओवरऑल टाइटल रह चुके हैं और रिसेंटली में मिस्टर इंडिया भाई मिस्टर इंडिया, ये सब आपने कंपटीशन खेल चुके हो, जीत चुके हो जी। और मैं कह रहा हूँ आपने पुराना दौर भी देखा कि भाई होता ना कि पहले कंपटीशन कैसे थे और अब के कंपटीशन कहते हैं भाई, उसमें फ़र्क क्या देखा भाई आपने? बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है। तब तो कुछ भी नहीं होता था, ऐसी ऑयल लगा के उतर जाते थे। अब तो ड्रीम 10 वगैरह लगानी पड़ती हैं, रूल रेगुलेशन है, उन्हें फॉलो करना पड़ता है, बहुत तरीके से होते हैं। और भाई एथलीट के बारे में बोलो तो भाई, एथलीट कैसे आते हैं आप भाई? एथलीट अब पहले से बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत टफ हो गए हैं कंपटीशन, अब आसान नहीं है, बहुत टफ हो गए हैं, ज़्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी आपको अगर उन्हें बीट करना है भाई। एक बार अपनी सारी अचीवमेंट बता दो भाई। मेरी अचीवमेंट है देखो 4 टाइम मिस्टर यूपी हूँ, अभी रिसेंटली नॉर्थ इंडिया और मिस्टर इंडिया मारा है, एनपीसी में अभी मेरा ब्रॉन्ज था, रिफॉर्म क्लासिक में सिल्वर था और बहुत सारे टाइटल हैं। अच्छा भाई और आने वाले टाइम में अगर मैं बात करूँ, अगर ये ऐसे चलता रहा ऊपर वाले की वजह से तो क्या किसी चीज़ की तैयारी होगी भाई? देखो अभी नेक्स्ट टारगेट जो बनाया, अगर सब कुछ सही रहता है तो दिसंबर में होने वाला मैच्योर ओलंपिया भाई महाराष्ट्र में। भाई जो भाई देख रहे ना इस वीडियो को, एक कॉम्पिटिटर मेरे साथ बैठा है आपका, ओलंपिया मैच्योर में मिलेगा भाई, तो बने रहिए भाई हमारे साथ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को हमारे भी सब्सक्राइब करें, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार नए एथलीट का, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।